आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं प्रवीण तांबे, जो क्रिकेटर रह चुके हैं, लेग स्पिनर जो है हमारे गुजरात लायंस में भी उन्होंने खेला है। तो उनकी जो लाइफ की जो स्टोरी है उसके बारे में एक मूवी का ट्रेलर आया है, और जिसका नाम है कौन है प्रवीण तांबे। तो चलिए देखते हैं आज वो ट्रेलर। और आप हमारे चैनल पर जो नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और बेल आइकन दबा के ऑल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर रिएक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, और हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसको चौकड़ी मार दिया। ओके, सो इस वीडियो का जो नाम है, ट्रेलर का नाम आपको पहले दिखा देता हूँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स कौन प्रवीण तांबे ऑफिशियल ट्रेलर। 1 अप्रैल को ये रिलीज होगा। तो 1 अप्रैल को आई थिंक डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो ओनली आई थिंक ऑनलाइन आएगा, पर ऑनलाइन अब तो सब ऑफलाइन हो गया है, तो आई थिंक देखते हैं कैसा रहता है। पर अभी इसका जो नाम है वो आपको दिखा दिया, और इसके अंदर जो है जिसने डबिंग किया था पुष्पा कैरेक्टर का, वो कौन है आइए देखते हैं। I just like to share a story of someone I had the privilege of playing with and getting to know over the last couple of years. A lot of times people come here and expect me to talk about Tendulkar, Lakshman, Ganguly and Kumble. But the story that I like to tell is about Praveen Tambe. राहुल द्रविड़ कहना चाहते हैं कि सबके बारे में आपने सुना ही होगा कि गांगुली है, तेंदुलकर, सबके नाम। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रवीण तांबे कौन है। तो प्रवीण तांबे में ये हमारे कैरेक्टर आ गए हैं। बारे में सोचना जरा, बड़ा भाई इंजीनियर हो गया, घर संभाल रहा है। अच्छा, बैटिंग ही लेंगे पहले? ये मेरे पास नौकरी के लिए कितनी कम चॉइस है। क्यों, राष्ट्रपति बनना है? मैं सिर्फ क्रिकेट खेलने वाली वाली कंपनी में नौकरी करूंगा बस। खाली कपड़े अरेंज करना, काम करो, अपॉइंटमेंट लेकर चला गया 6 महीने पहले की डेट का। शादी करेगा? देख मेरा जवाब, तुझे पता है मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए चलूंगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके साथ पहचाना ही नहीं, अजित सनियाल, एमिनेंट स्पोर्ट्स राइटर। My concern is, it is too late. So what's your take? गली लेवल का क्रिकेटर है, छोटे मोटे टेनिस बॉल वाले टूर्नामेंट में खेल के उसको बहुत किक मिलती है। 2 साल से इसका नाम आ रहा है रणजी के प्रोवेबल्स में। मैच हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, बार बार कुछ गोल हुआ। ऐसा कुछ अलग करने के चक्कर में फेल हो गया तो? बात भी सही है, उन्होंने जो बोली कि मैं जो चाहता हूँ वो तो मैं करूँगा ही, मैंने अलग कुछ किया और फिर मैं फेल हो गया, तो मैं किसको कोसूंगा, और मतलब कि किसको मैं इसका जिम्मेदार किसको बोलूंगा। तो मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा ही। और इसके अंदर ऐसा दिखाया गया है, इसकी जो मैं डिस्क्रिप्शन है मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब कि रीड करवाऊंगा कि इसके अंदर क्या लिखा है, वो देख के मेरा माइंड क्या अलग ही, मतलब कि मुझे फील आने लगी कि यार क्या ही। प्रवीण तांबे जो लेग स्पिनर का काम करते थे और इंडिया में भी आई थिंक 1-2 बार खेले हैं, फिर गुजरात लायंस में भी उनको देखा है हमने लेग वो उसकी पिन करते हुए। तो बहुत ही उनकी जो जर्नी है वो इसके अंदर दिखाई गई है पूरी लाइफ की, कि कैसे कैसे। और इसके अंदर ऐसा दिखाया गया है कि इनको बहुत बड़ी उम्र में इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि एक नौजवानों के सामने और नौजवानों के साथ खेलना खेलने को मिले, कि इंडिया की हो या बाहर की हो, यानी कि आईपीएल में उनको खेलने को मौका मिला, मतलब कि सबके साथ उनको खेलने का मौका मिला। और 40 30 35 तक तो उन्होंने स्ट्रगल ही किया है, मतलब इनकी
जो स्टोरी है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली है, क्योंकि इंसान थक जाता है यार 30-35 साल तक तो ठीक है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, जो कोई भी कंपनी का फाउंडर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक अपना जो है 30 से 35, चल 5 साल और बढ़ा दो, मतलब 35 साल तक तो वो चाहता ही है कि 35 साल तक मैं सेटल तो हो ही जाऊँ, पर इनकी लाइफ में कुछ इनको दिख ही नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, सो धोनी सर जो है उनकी तरह इनकी जो स्टोरी है वो दिखाई गई है, और मतलब भी सब तो जो गली क्रिकेट है उसमें काम किया, उसी ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेके उन्होंने पार्टिसिपेट उसमें जीते, पर दिल क्या है कि मानता नहीं, उनको जो चाहिए था वहाँ पे उनको जाना था और तब तक वो कोशिश करते रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बोला कि 40 साल में इंसान की, अरे 38 या 39 में तो धोनी सर ने खुद ने रिटायरमेंट ली है, तो इन्होंने तो 40 साल तो ओनली करियर सेट करने में लगा दी है। अब सोच सकते हैं बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि धोनी सर ने तो बहुत ही जल्दी, हाँ स्ट्रगल तो सब ने किया, स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं होता है, पर मैंने इतना सारा स्ट्रगल कभी नहीं देखा। 40 साल तक इंसान स्ट्रगल करता और एक ही चीज़ के पीछे भागा है, बराबर। तो मेरे जीवन का मेरे जो 19 या 20 जो ईयर्स है मेरे जीवन में, और मैं समझता मतलब कि जो इन खबर और यानी कि समझ मुझे 5 या 6 साल के बाद आने के, तो मेरे 15 साल में मैंने पहली ऐसी जो स्टोरी है वो मैंने सुनी है कि 40 साल को इंसान को 40 साल में साल हो गए उसके बाद इंसान को सफलता मिली है और वो तब तक लगा रहा है एक ही चीज़ पे। लिटरली मैंने ऐसी सच बता रहा हूँ मैं आपको कि आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसी कभी स्टोरी सुनी ही नहीं है, और जब मैंने ये ट्रेलर देख लिया तब मेरा रिएक्शन ऐसा था। तो ये मैंने दूसरी बार क्यों देखा कि मुझे ये पसंद आया, और लिटरली मुझे इतना कोई भी ट्रेलर मुझे इतना सारा पसंद नहीं आया है जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है। और यार क्या एक्टिंग है लिटरली, कि प्रवीण तांबे जी खुद इनके अंदर आ गए इस एक्टर के अंदर, और सच बताऊँ कि तो मैं इनका नाम अभी भूल गया हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर कैमरे के सामने आता नहीं है और इन्होंने ज़्यादा फिल्में भी नहीं की है। जो पुष्पा जो मूवी है उसके अंदर इन्होंने डबिंग की है, पुष्पा जो कैरेक्टर है उनकी अल्लू अर्जुन की जो डबिंग की है, तो तब वो चर्चा में थे कि पुष्पा की डबिंग करते हुए कि ऐसा हुआ ऐसा फील हुआ। तो वो तब उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, पर ये मूवी में उन्होंने बहुत टाइम बाद उन्होंने वो वापस आए हैं, तो देखते हैं थोड़े 55 सेकंड ही बाकी है हमारे जो 40 साल। वो जो ये भी जो है बहुत ही फेमस एक्टर है, विलन में भी आप देख सकते हो पहले जूना मतलब कि 90s में ये विलन में थे, उसके बाद थोड़ा जज में भी इन्होंने आपको आपने इन्होंने इनको देखा होगा, माफ़ कीजिएगा। ये जो लाइन है वो किसी भी इंसान को कितना हर्ट करेगी, किसी भी इंसान को मान भी लिया कि कोई इंसान है जिसके अंदर टैलेंट नहीं भी है, हाँ चलो मैं मेरे पे लिए तो मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो कोई मुझे सामने से बोला गया दिन में टैलेंट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता ऐसा, मतलब इंसान वैसे तो इतना परेशान होगा ही कि घर पे सब, फिर दोस्तों सारे सफल हो गए, और जो मतलब एक फील जो है वो बहुत अलग ही इनके जैसे लाइफ, मुझे नहीं लगता प्रवीण तांबे की जैसी किसी ने लाइफ सोची होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और जिसने भी ये सोचा होगा बहुत आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ, पर इसको थिएटर में होना चाहिए था,
पर स्ट्रीमिंग लिखा है तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। पर यार जो ऑफलाइन होता यानी कि थिएटर्स में होता तो धमाका मचा देता। देख सकते हैं यहाँ पे जयप्रसाद देसाई, शीतल भाटिया, सदर तिवारी। कास्ट में क्या है ये, चलो इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं हम, वीडियो बहुत लंबा हो जाए, वैसे भी लंबा हो गया है सब। ओके, सो ए फिल्म अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ क्रिकेटर प्रवीण तांबे, ए राइट आर्म लेग स्पिनर हु मेड हिज बिगेस्ट क्रिकेट लीग डेब्यूट एट एज ऑफ 41, नॉट हैविंग प्लेड एनी इंटरनेशनल फॉर और इवन फर्स्ट क्लास। ओके, सो मैं गलत था, इन्होंने जो इंटरनेशनल मतलब कि इंडिया में नहीं खेला है और गुजरात लायंस में खेला है, इंटरनेशनल और इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर दैट। ए मॉडर्न डे फेबल ऑफ एन अंडर डॉग हु फॉट अगेंस्ट हिज डेस्टिनी and trimmed over it, presenting the official trailer of the most inspiring cricket story ever told. मैंने आपको जैसे बोला वैसे ही कि इंस्पायर्ड है, मतलब कोई इंस्पिरेशन मिल सकती है इससे। फॉक्स स्टार स्टूडियोज प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद फ्राइडे फिल्म वर्क्स। ओके ओके, सो इतनी गर्मी में शूट करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी मैंने आपके लिए इतना यानी कि 7-8 मिनट तो हो ही गए होंगे, तो इतना लंबा वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने आपके लिए शूट किया है। सो आज का कोई प्लान नहीं था बेसिकली, एक और प्लान था पर उसके ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं दे पाया कुछ रीजंस की वजह से, बराबर। तो इस जो फिल्म है, ये जो फिल्म है 1 अप्रैल को आने वाली है, उसके अंदर श्रेयस तलपड़े है और श्रेयस तलपड़े की जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उनके अंदर उनकी माँ बाबू जी फिर उनकी पत्नी सबकी जो अंदर दिखाई गई उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, पर देखना होगा कि उसके आगे पीछे कोई मूवी नहीं आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि 11 तारीख को क्या हुआ, मतलब कि कल क्या हुआ, राधेश्याम आई, फिर कश्मीर फाइल्स, तो इस फिल्म को जो स्कोर करना है तो इसको मैंने बताया ऐसे ही कि आगे पीछे कोई फिल्म नहीं होनी चाहिए बस। तो आज का रिएक्शन इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। और कि माइक में थोड़ा सा मतलब कि आज आवाज़ में कोई मज़ा नहीं होगा मुझे पता है, पर क्या करें, शूट तो करना ही पड़ता है, सो मस्ट गो ऑन। और मिलते हैं ऐसी एक रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।